व्हाट, दिस इज द ड्राफ्ट भाई। आप इसको ड्राफ्ट कहते हैं? सच बताना दिल पे हाथ रख के, किस किस को आज स्मैकडाउन का एपिसोड पसंद आया? वाकई में दिस इज द ड्राफ्ट भाई। ट्रिपल एच WWE क्या कर रही हो यार? दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग एंड डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट शो एवर इन टुडे स्मैकडाउन। सही कहूं भाई, बहुत ज़्यादा हाइप थी आज के स्मैकडाउन से, ड्राफ्ट से बहुत ज़्यादा हाइप थी। लेकिन जिस तरह का ड्राफ्ट आज गया है, कैन यू बिलीव इट, दिस इज अ वर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑल टाइम, दिस इज अ वर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ WWE हैज प्रेजेंट भाई। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अच्छे ड्राफ्ट होते थे, बढ़िया होते थे। बीच में सुपरस्टार शेकअप भी होता था जो ड्राफ्ट से भी बेहतर होता था, बिकॉज उसको मैं कहूँगा कहीं ना कहीं शॉकिंग होता था। वहाँ सुपरस्टार शेकअप आराम से किसी भी ब्रांड में जाते थे, वो बढ़िया चीज़ थी। अब दिस इज़ द ड्राफ्ट मैन, ये जो आज हुआ है, ये किसी भी एंगल से ड्राफ्ट था ही नहीं। दिस इज़ कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट भाई। आपके आधे से ज़्यादा सुपरस्टार तो उसी ब्रांड में रहे जिसमें वो थे, तो ड्राफ्ट क्यों करवाया? मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूँ। गिनती के एक या दो सुपरस्टार होंगे जो रो या स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुए हैं, सेम टू सेम वही सुपरस्टार जो ड्राफ्टेड थे उसी ब्रांड में ही रहे हैं। सो दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। देखिए, सबसे पहले ड्राफ्ट की बात करें यार, मुझे बहुत ज़्यादा हाइप थी और आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं कल रात से सोच के बैठा था भैया ड्राफ्ट के अंदर, मतलब सुबह 5:30 बजे उठ जाऊँगा, पूरा स्मैकडाउन देखूँगा, बिकॉज ड्राफ्ट है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk आने वाला है और सही में लाइव देखूँगा शो को। लेकिन भाई, मैं अपने आप को इतना खुश किस्मत समझता हूँ क्योंकि मैं भाई आज सुबह 7:30 बजे ही उठा। आई थिंक भगवान या ने बचा लिया भाई इतना वाहिया शो देखने से, बिकॉज सही कहूँ अगर मैं 5:30 उठ जाता मैं दोबारा सो जाता, बिकॉज सही का नींद ख़राब नहीं हुई। और सही में भाई वन ऑफ द वर्स्ट शो था स्मैकडाउन की हिस्ट्री का। देखिए, मैं ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ड्राफ्ट के हिसाब से देखा जाए कोई ड्राफ्टेड हुआ ही नहीं है, जो सुपरस्टार रोया स्मैकडाउन में थे वहीं रह रहे हैं। ये कहा है कि ट्रिपल एस ने भाई एक तरह से धोखा दे दिया हम सबको। और भाई कहाँ है CM Punk? वेयर इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड? आपने CM Punk को एडवर्टाइज करा ना, तो वेयर इज़ CM Punk? CM Punk हमको दिखे ही नहीं भाई। फुटेजेस निकल के आ रही कि CM Punk ऑफ स्क्रीन में दिखे हैं, ऑफ शो में दिखे हैं, भाई हमको क्या लेना देना ऑफ शो से, हमारे को क्या लेना देना? मुझे समझ नहीं आता भाई WWE कंपनी की कौन सी ये पॉलिसी है जो शो ख़त्म होने के बाद वो किस मैचेस कराती है डार्क में, सुपरस्टार को बुलाती है भाई किसके लिए? TV पर उनको दिखना नहीं है तो भाई ऐसे क्यों उनकी पब्लिसिटी ख़राब कर रहे हो? CM Punk को क्यों बुलाना है भाई, उनको TV बुलाओ ना। इज नॉट अ स्मॉल नेम, इज़ द बिगेस्ट रेसलर इन दिस वर्ल्ड। आप उसको कहाँ बुला रहे हैं? आप उसको शो ख़त्म होने के बाद बुला रहे हैं, TV पर एडवर्टाइज़ करो ना भाई उसको। अब भाई ट्रिपल एच कहेगा मैंने तो भाई बोला था, मैंने तो एडवर्टाइज़ करा ही नहीं है, कोई पोस्टर नहीं। भाई क्या बात करती ट्रिपल एच, तूने यार तूने एडवर्टाइज़ नहीं किया CM Punk को, तो खेलेगा हमारे जज्बातों के साथ। हम सोच रहे थे भाई CM Punk का रिटर्न होगा, CM Punk आएगा, ड्राफ्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया CM Punk यार। इसके बाद चलो कोडी रोड्स और AJ Styles की सेगमेंट होती है, बहुत अच्छी सेगमेंट थी, वही मैंने जैसे बताया आपको जिस तरह की सेगमेंट चलेगी पुरानी बातें सामने आएगी। AJ Styles इज आई रिस्पेक्ट योर डैड कोडी रोड्स एंड द मैच इज गोइंग ऑन, और AJ Styles ने तो भाई यहाँ तक कह दिया कि कोडी रोड दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइटल रिंग इन योर करियर, बिकॉज एट बैकलैश तुम्हारे टाइटल रिंग की एंड होने वाला है और मैं इस टाइटल को जीतने वाला हूँ, तेरे हाथों से लेने वाला हूँ, तुझे हराने वाला हूँ बैकलैश के अंदर। चलिए, वो तो हम सबको पता है भाई बैकलैश में क्या होने वाला है, तो क्या बोले उसके बारे में। लेकिन सेगमेंट अच्छी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था तो दैट वाज अ गुड थिंग। इसके बाद ही चीज़ होती है भाई, कोडी रोड्स और ट्रिपल एच जो अनाउंस करते हैं ड्राफ्ट के अंदर ही भाई नंबर वन पिक। कैन यू बिलीव इट, व्हाट इज़ द नंबर वन पिक? वैसे मैं इस टॉपिक को उठा नहीं रहा था, सो राइट नाउ इट्स गुड थिंग। तो द थिंग इज़ भाई कि नंबर वन पिक होती है बियंका ब्लेयर की। अब बताइए भाई मेरे को, अब किसी एंगल से बियंका ब्लेयर के पास ना टाइटल है, बियंका ब्लेयर की बुकिंग इतनी अच्छी हो नहीं रही है, तो भाई नंबर वन पिक बियंका ब्लेयर को लिया आपने, आप जेड कारगिल को दे सकते थे भाई, आप किसी और सुपरस्टार को ले लेते। लेकिन बियंका ब्लेयर आई थिंक शी डिजर्व द नंबर वन, क्योंकि वो ब्लैक सुपरस्टार है और आप यहाँ काले गोरे का खेल दिखाना चाहते हैं कि हम ब्लैक सुपरस्टार को पुश करते हैं। भाई क्या यार,
कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सुपरस्टार है, अच्छी डीवा है, लेकिन भाई हर पोस्टर में उसको दिखाना, बिकॉज वो चैंपियन भी नहीं है फिर भी उसको दिखाना, ये क्या है यार। भूस बेंका प्लेयर भाई, अच्छी सुपरस्टार, अच्छी फिजिक है, सब अच्छा है मानता हूँ, बेटर चैंपियन रही थी, लेकिन फिलहाल तो उसके पास कोई ऐसी हाइप नहीं है ना, कोई ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, जेड के साथ उसकी टीम है तो बहुत अच्छी है, अच्छे नाम है, लेकिन भाई नंबर वन पिक मुझे नहीं लगता। आप AJ Styles को दिखा सकते थे नंबर वन पिक, एलन नेट को दिखा सकते थे, रेंडी ऑर्टन को दिखा सकते थे, बट ट्रिपल एच की दिशाएं, ट्रिपल एच को ही पता भाई किस तरह से स्मैकडाउन को प्रमोट कर रहा है, वो बुकिंग कर रहा है, आई डोंट थिंक सो भाई। इसके बाद खास सेगमेंट की बात करें, ब्लडलाइन की सेगमेंट थी, सोलो सिकोवा टामा टुंगा बैक स्टेज में, भाई एक चीज समझ नहीं आई, सोलो सिकोवा या फिर पॉल हेमन को बोल रहे वाइज मैन, व्हाट इज नेक्स्ट वाइज मैन, सो बताइए व्हाट इज द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में क्या क्या है, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। सोलो सिकोवा कह रहा है पॉल हेमन से वाइज मैन, सो भाई क्लियर कट है, सोलो सिकोवा यहाँ पे खुद को एज अ ट्राइबल चीफ इंट्रोड्यूस कर रहा है पॉल हेमन के सामने, दैट इज अ गुड थिंग मैन। लेकिन इसके बाद ही भाई साहब केविन ओवेंस टामा टोंगा पर अटैक कर देता है, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। उसके बाद रिंग में मारते मारते भाई क्या होता है, केविन ओवेंस को पेलते हैं भाई साहब, वही से एंट्री होती है द रैंडी ऑर्टन द वाइपर लेजेंड किलर की भाई साहब, बिकॉज रैंडी ऑर्टन और कहीं ना कहीं केविन ओवेंस की एक दोस्ती है, तो रैंडी ऑर्टन बचाने आते हैं, बट सिक्योरिटी गार्ड यहीं पर ओटन को रोक लेते हैं। और एक बात समझ नहीं आई, सिक्योरिटी गार्ड ने भाई साहब ओवेंस को रोका, ओटन को रोका, पर यहाँ टामा टुंगा और सोलो सिकोवा को नहीं रोका, डैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों द मेन थिंग इज कि यही सेगमेंट यहीं तक थी, एंड इशू के हिसाब से देखा जाए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई स्मैकडाउन के शो पे। हाँ, एक चीज़ अच्छी थी, कोडी रोड्स आज एक्शन में दिखे हमको, द मेन इवेंट ऑफ द नाइट इज कोडी रोड्स वर्सेस, क्या नाम है इस बंदे का, इस बंदे का नाम कार्मेलो हाइस, सॉरी भाई, तो ये बंदा भी ड्राफ्ट हो चुका है स्मैकडाउन में, और आई थिंक पहला मैच ही कोडी रोड्स के अगेंस्ट अमेजिंग था, अच्छा मैच था, मेन इवेंट मैच था, कोडी रोड्स ने यहाँ पे क्लियर कट हरा दिया इसको, एंड अच्छा मैच था, एंड देन उसके बाद ये AJ Styles का फेस टू फेस होता है। लेकिन हाँ, द मेन थिंग इज भाई कि मैं बैकलैश से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे द फिनोमिनल वन AJ Styles है वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। आई थिंक बैंकर मैच हो सकता है भाई बैकलैश के अंदर, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये मैच बैंकर नहीं हुआ, सो भाई साहब ट्रिपल एच पे रोस्ट की वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, विंस मैकमैन पर ले आऊँ, लेकिन अब ट्रिपल एच की बारी है, तो भाई सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई बैकलैश में ये मैच अच्छा बुक हो जाए, बस मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बिकॉज सारा अब इस मैच पर ही है। इसी के साथ दोस्तों आपको वो चीज़ बता दूँ कि भाई साहब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ट्रिपल थ्रेट मैच होगा वुमेंस का बैकलैश के अंदर, वही है, बेली डिफेंड करेगी अगेंस्ट ट्रिफनी स्टार्डम एंड नेओमी के, यही है नेओमी है ना, हाँ, सो ये है यहाँ पे। अभी यहाँ पे विनर की बात करें भाई, विनर की बात करें सारा प्रेडिक्शन वीडियो लेके आऊँगा, सो अभी के हिसाब से एक हफ्ता और पड़ा तो देखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और मैच कंफर्म हुआ है, जेड कारगिल बेली कह रहा है, जेड कारगिल बियंका बेलेयर वर्सेस द कबुकी वॉरियर फॉर द वर्ल्ड वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है, ये भी मैच कंफर्म है। इसके बाद दोस्तों एक ब्लडलाइन का मैच कंफर्म हुआ है, ये है सोलो सिकोवा टामा टुंगा वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का टैग टीम मैच है। तो आई थिंक टैग टीम मैच बड़े बुक हो रहे हैं भाई, और एक लास्ट मैच आपको पता ही है AJ Styles वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल का, सो दैट इज अ गुड थिंग। आई थिंक अभी एक या दो मैच और अनाउंस होने वाले हैं, एक शायद बैकी लिंच वर्सेस लिम मॉर्गन का हो सकता है, जो उसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं बैकलैश के अंदर, या फिर एक और मैच हो सकता है, आई थिंक ये कौन सा होने वाला, दैट इज गुड थिंग, बट बैकलैश के लिए मैच अच्छा है, कार्ड बढ़िया है, ठीक है यार। रेसलमेनिया के रिपीटेड मैच तो नहीं हो रहे ना जिस तरह पहले कुछ सालों में होते थे, जो मैच रेसलमेनिया में वही बैकलैश में, दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट थिंग। सो राइट नाउ बैकलैश का कार्ड सही है, अच्छा जा रहा है, अभी एक हफ्ता और बड़ा तो और बुकिंग होगी। लेकिन आज का स्मैकडाउन यार ड्राफ्ट के नाम से जाना गया था, बट ड्राफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ड्राफ्ट जैसी कोई बढ़िया चीज़ मेरे को लगी नहीं है ना, दैट इज़ अ मेन थिंग कि भाई यार ड्राफ्ट से मज़ा नहीं आया। आप बिल्कुल बताएंगे मेरे को कि भाई आपको ड्राफ्ट अच्छा लगा नहीं, बिकॉज आप भी मेरी बातों से एग्री करेंगे, दिस इज़ नॉट अ ड्राफ्ट, दिस इज़ अ चोक एंड द मोस्ट डिजास्ट्रस ड्राफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, बिकॉज ड्राफ्ट की जो एक हाइप होती थी ना वो सारी खत्म हो चुकी है। एंड अब मंडे नाइट रो में भी ड्राफ्ट कंटिन्यू होगा सेकेंड नाइट में, अब वहाँ भी हमारा ये काटेंगे, बिकॉज वहाँ भी द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk नहीं आएगा, आई नो डैट, सो आई डोंट थिंक सो भाई, लेकिन आ भी सकता है बिकॉज वहाँ पे ड्रू मैकइंटायर है, सो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
लेकिन भाई यार स्मैकडाउन ने पत्ता काट दिया। बिकॉज सही कहूँ तो मैं उठा ही इसलिए था बिकॉज मुझे लग रहा था सीएम पंक यहाँ पे आएंगे, सीएम पंक यहाँ पे किक ऑफ करेंगे। लेकिन भाई साहब जब मैं उठा 7:30 बजे, मैंने कहा भाई ये क्या गलती कर दी मैंने, स्मैकडाउन का शो नहीं देखा। लेकिन जब देखा स्मैकडाउन की हाईलाइट देखी मैंने, मैं समझ गया भाई अच्छा मैं उठा नहीं, मैं 2 घंटे लेट उठा, नींद बुरी होगी, ऊपर से भाई अच्छा टाइम नहीं खराब हुआ। सो डैट इज़ अमेजिंग थिंग। लेकिन द मेन चीज़ इस दोस्तों की आज का ड्राफ्ट कहीं ना कहीं फीका सा लगा। इसके साथ ही कुछ सुपरस्टार जैसे के जे स्टार्स, रेंडी ऑर्टन, ये तो ऑलरेडी स्मैकडाउन में थे यार, कोडी ऑर्स प्रोटेक्टेड थे। सो मेन ड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि ब्रॉन ब्रेकर हमें मंडे नाइट रो में जाते हुए नजर आने वाले हैं। और आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग अच्छी हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप ब्रॉन ब्रेकर को एक पावरफुल स्टोरी लाइन में डालना चाहिए ट्रिपल एच को, बिकॉज ये क्रशिंग मैच बहुत हो गए। लेकिन अब फाइनली ब्रॉन ब्रेकर डिजर्व टू बी इन अ स्टोरी लाइन विद मैच एनी अपोनेंट। दो उसको कोई, आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर के लिए मेरी नज़र में सबसे बढ़िया अपोनेंट इस समय कोई है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई ये क्या नाम है उसका, मोटे से का, अबे यार क्या नाम है उसका भाई जो ऑस्ट्रेलियन बंदा है, ब्रॉन क्या नाम है उसका, ब्रॉनसन रीड, आई एम सॉरी गाइस, ब्रॉनसन रीड, हाँ वो मेरे को लग रहा है परफेक्ट बंदा है इसके लिए। बैकलैश में मैच हो जाए तो बढ़िया होगा, तो डैट इज़ अ वेरी मिसिंग थिंग। तो आप मेरे को बताइए भाई आपको आज का स्मैकडाउन ड्राफ्ट कैसा लगा, उम्मीद है भाई आप मेरी बात सही करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट, आज और भी वीडियो आने वाली है, अभी जो चैनल पर जुड़ रही है सब्सक्राइब करें द गर्ल टू रस्ट, सी यू नेक्स्ट गाइस।